आई एम रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन आर्मी। अच्छा, मैं भारतीय सेना का एक जवान रह चुका हूँ। हाँ। ये बताइए मुझे आप, हाँ, क्या सांसद विधायक MLC इन सबको पेंशन चाहिए? क्या जवानों को पेंशन नहीं चाहिए? क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पेंशन नहीं चाहिए? क्यों? जब मैं ट्रेनिंग करने गया था तो 5 साल तक अनट्रेंड सोल्जर बोला जाता था, 5 साल तक उसको ट्रेंड सोल्जर नहीं बोला जाता था। और जब ये 4 साल में आ जा रहे हैं तो ये कौन सा ट्रेंड सोल्जर है? चाहे एयरफोर्स का सीनियर ऑफिसर हो, चाहे आर्मी का सीनियर ऑफिसर हो, चाहे नेवी का सीनियर ऑफिसर हो, इनको कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि हम रिटायर होने के बाद कोई कहीं लेफ्टिनेंट जनरल लगेंगे या किसी बड़ी पार्टी से हमें टिकट मिलेगी। यही है कि वो लोग नहीं बोलते हैं। जनता 5 किलो राशन में बिक रही है और जिनको हम चुन के भेज रहे हैं वो 25 करोड़ में बिक रहे हैं। किस बारे में पूछना चाह रहे हैं आप? किसकी सरकार बन रही है? सरकार को देखिए, भाजपा की ही बनेगी। हाँ। एक तो 110% श्योर है। बट मैं भी आजीवन भाजपा को ही वोट दिया। हाँ। लेकिन मैं भी भाजपा से खुश नहीं हूँ। कहाँ है भैया? मैं इसलिए खुश नहीं हूँ। हाँ। देखिए, आई एम रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन आर्मी। अच्छा, मैं भारतीय सेना का एक जवान रह चुका हूँ। हाँ। ये बताइए मुझे आप। हाँ। क्या सांसद विधायक MLC इन सबको पेंशन चाहिए? क्या जवानों को पेंशन नहीं चाहिए? क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पेंशन नहीं चाहिए? क्यों? अगर एक सांसद एक विधायक एक बार चुन जाता है वो 5 साल के लिए चुन जाता है, भाई सुन लीजिए थोड़ा है, उसको पेंशन चाहिए? जितनी बार जीतेगा उसको उतनी बार पेंशन चाहिए? क्या इंडियन आर्मी को, एयरफोर्स, नेवी को पेंशन नहीं चाहिए? कितने साल ड्यूटी किए हैं? मैं 15 साल 8 महीने ड्यूटी किया हूँ। अभी मैं समाज सेवा से जुड़ा हुआ हूँ। जो मैं कर रहा हूँ अभी फिलहाल मार्केट के अंदर, वो कोई सांसद विधायक नहीं कर सकता मैडम। कोई बड़ी चीज नहीं है। ड्यूटी छोड़ दिए या पूरा किए? नहीं, जो हम आर्मी में क्या होता है, जो 15 साल के बाद आप कभी भी आ सकते हैं, जो आपको पेंशन मिलेगा, जो इस अग्निवीर के पहले जो एम्प्लॉय थे, अभी जब से अग्निवीर योजना आ गई तब से आपको तो पेंशन मिलता है ना? पेंशन मिल रही। क्यों नाराज है? अरे भाई, मैं अपने लिए नहीं ना, अपने लिए क्यों भाई, जो सबका साथ चाहिए ना, सबका विकास चाहिए, सबके लिए लड़िए ना आप। क्या कह रही हैं? अपने लिए तो कुत्तों पेट जिया खा ले। पूरा जनता के खुश करे तब ना। मैडम देखिए, मेरा मैं इतना कोई बड़ी चीज नहीं है। बात यह है कि अगर इनको पेंशन चाहिए तो कर्मचारियों को पेंशन क्यों नहीं चाहिए? वो तो 60 साल के बाद ही रिटायर हो रहे हैं ना, रिटायर हो रहे हैं ना। सबसे बड़ा मुद्दा पेंशन खा जा रही है BJP, पुरानी पेंशन। वरुण गांधी देश के ऐसे पार्लियामेंट मेंबर हैं जो अपना वेतन नहीं लेते हैं, और जो मतलब कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ना हम खाएंगे ना खाने देंगे, तो मैं आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ, उनको वेतन की क्या जरूरत है? उनको वेतन की क्या जरूरत है? जब सारा सुविधा गवर्नमेंट से है, उनको वेतन नहीं लेना चाहिए, वो छोड़ देना चाहिए। और जो भाई साहब पूछ रहे हैं वो बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि इंडियन आर्मी मतलब ये अब बताइए, एजुकेशन की बात कर लीजिए। तो भैया, जो आर्मी वाले होते हैं उनका देश के प्रति बड़ा आस्था सम्मान होता है, तो और जो मौजूदा सरकार है वो भी देश हित की बात करती है, कहती है हमसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है मौजूदा जो सरकार है। जी, और आप इंडियन आर्मी से हैं, तो आपका ज्यादा तुकबंदी बैठना चाहिए BJP से। आप कह रहे हैं हम नाराज हैं। बैठता है ऐसी बात नहीं है। मैं जब से वोट दे रहा हूँ मैं भाजपा को ही वोट दे रहा हूँ, पर मुझे तकलीफ यही है कि अगर इनके सांसद विधायक चाहे कोई भी पार्टी का हो, आम आदमी पार्टी हो, क्या बोलते हैं, INC का हो, चाहे आगाड़ी पिछाड़ी जो भी हो, कांग्रेस, एनीवे आई डोंट माइंड, बट क्या अगर ये पेंशन ले सकते हैं तो इनको पेंशन क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्यों इनका पेंशन खा? आपकी नाराजगी अग्निवीर योजना से? अग्निवीर योजना से है। अब बताइए, वो 4 साल में वो जा रहा है। देखिए, जब मैं नौकरी कर रहा था, जब मैं ट्रेनिंग करने गया था तो 5 साल तक अनट्रेंड सोल्जर बोला जाता था, 5 साल तक उसको ट्रेंड सोल्जर नहीं बोला जाता था। और जब ये 4 साल में आ जा रहे हैं तो ये कौन सा ट्रेंड सोल्जर है? ये बताइए, वो क्या करेंगे? अभी बहुत कुछ लोगों से मेरी बात होती है, जो एम्प्लॉय हैं वो कहते हैं सिर्फ गए हैं खाने और सोने के लिए, कोई वर्क नहीं करते हैं, कोई ड्यूटी नहीं करते हैं। कौन? अग्निवीर जो बन रहे हैं, योजना है उनके ऊपर एक JCO लेवल का जो इंस्पेक्टर लेवल का होता है उसको डिटेल किया गया है कि इनकी देखभाल करने के लिए वो, और एक्चुअली भाई वो क्यों करेगा? वो 4 साल में कर क्या सकता है?
चार साल में तो ना अपना घर बना सकता है, ना अपना शादी कर सकता है, ना अपनी बहन का शादी कर सकता है, वो क्या करेगा चार साल में? जब तक रिश्तेदारों में हल्ला होगा कि बबुआ को नौकरी लगी है, तब तक बबुआ रिटायर्ड होगा। चार साल में करेगा क्या? और देखिए, कोई सांसद, विधायक या डिप्टी कलेक्टर या एसडीएम डीएम का लड़का नहीं जाता है, हम ही लोगों के बीच के जो मिडिल परिवार का है वही जाता है सेना में। लेकिन जब वो क्या करेगा बताइए, मिडिल परिवार का जाएगा ना तो। अच्छा, ये जो आप ट्रेनिंग की बात बता रहे हैं, आप बता रहे हैं कि 4 से 5 साल लग जाता है, उसके बाद कहीं जाकर एक ट्रेंड सोल्जर तैयार होता है। हाँ। तो ये जो 6 महीने वाले ट्रेंड सोल्जर होंगे वो कितना बॉर्डर पर सुरक्षा दे पाएंगे? कोई सुरक्षा नहीं दे पाएंगे, उनकी ड्यूटी ही नहीं लग रही है, वो क्या सुरक्षा देंगे? हमने 9 महीना 10 महीना कम से कम 9 महीना हम लोगों ने ट्रेनिंग किया, उसके बाद हम लोगों को पोस्टिंग होती है हुई थी। तो बताइए, 5 साल तक हम लोगों को, एक्चुअली मैं एक गनर साइड से था, मैं तोपची था, हम लोगों को 5 साल के नीचे वालों को उस पर नहीं बैठाया जाता था, तोप पे बैठाया नहीं जाता, जो लेयर की ड्यूटी होती थी वो नहीं कराया जाता, बोलते थे अभी ये अनट्रेंड सोल्जर है। 5 साल तक हमको फिर से वहाँ सिखलाई मिलती थी, तब हम एक ट्रेंड सोल्जर होते थे। तो बताइए, जब 5 साल के बाद हम ट्रेंड होते थे और 4 साल में घर आ रहे हैं, तो कौन सा ट्रेंड है? लेकिन ठीक है, जो मतलब सेना कमजोर, ये जो इससे पहले जो सेना अध्यक्ष थे उन्हीं के समय में योजना आई थी ना, आई थी ना, जब तक वो गवर्नमेंट सर्विस में थे, जब तक जनरल के पद पे थे तब तक तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, और जैसे रिटायर हुए वैसे ही अपना एक बुक छाप दिया, आपने, आपको अच्छी तरह से मालूम है, एक बुक निकाल दिया कि ये अग्निवीर योजना ठीक नहीं है, तब क्यों नहीं बोले भाई? ड्यूटी में थे भाई, कैसे बोल देते? वही चीज है, वो जानते क्यों नहीं बोलते हैं? देखिए, चाहे एयरफोर्स का सीनियर ऑफिसर हो, चाहे आर्मी का सीनियर ऑफिसर हो, चाहे नेवी का सीनियर ऑफिसर हो, इनको कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि हम रिटायर होने के बाद कोई कहीं लेफ्टिनेंट जनरल लगेंगे या किसी बड़ी पार्टी से हमें टिकट मिलेगी, यही है कि वो लोग नहीं बोलते हैं। अच्छा, यही वजह है कि या तो कहीं हम लेफ्टिनेंट गवर्नर बन जाएंगे या कहीं सांसद का टिकट मिल जाएगा, हाँ, इसीलिए वो नहीं बोलते हैं। और जैसे वहाँ जाते हैं, जब कुछ नहीं मिलता है तो आवाज़ उठाना शुरू कर देते हैं। अभी उनको क्या जरूरत थी बुक छापने की, तब छापे होते हैं। बहुत सारे लोग जो गांव में बसते हैं उन्हें इस बात की जानकारी भी नहीं होगी, बस ये पता होगा कि सरकार एक अग्निवीर योजना लाई है और वो सैनिकों को और ज़्यादा बेहतर बनाता है। लेकिन आप सोचिए कि उस समय मौजूदा जो लोग थे उन्होंने भी उसका विरोध किया था जब रिटायर हुए थे तब, लेकिन जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है, किसी को जानकारी नहीं है। देखिए, सेना के बारे में वही जान सकता है जो सेना में 15 साल 17 साल 20 साल 28 साल अपना जीवन यापन किया है, जो अपना वहाँ पे बॉर्डर पे चाहे कहीं भी वो ड्यूटी दिया है। बाकी ना सांसद जानता है, ना विधायक जानता है, ना कोई नहीं जानता है, चाहे कोई भी, चाहे अफसर हो, चाहे हवलदार हो, चाहे जेसीओ हो, जो भी सेना में वर्क किया है वो सेना के बारे में वही बता सकता है कि सेना में क्या होता है। ड्यूटी में रहते तो इतना विरोध कर पाते? मैं विरोध करता था, हम नहीं मानेंगी। मैं जब 2014 का लोकसभा का चुनाव हो रहा था, मैं बहुत तगड़ा मुद्दा उठाया था और मैं बहुत उसी टाइम सोशल मीडिया से मैं जुड़ा था। ये सोशल मीडिया का ही देन है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, बाकी किसी ने प्रधानमंत्री नहीं बनाया। हम लोग पूरा जोर लगा दिया था कि वो प्रधानमंत्री बने, एकदम पूरा कैंपेन चला दिया था। मुझे कुछ लोगों ने समाजवादी पार्टी से बोला भी था, मेरा एक्चुअली महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वो वहाँ से बोले भी थे कि हम तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे। मैं बोला जो करना हो कर लेना, लेकिन हम लोग बहुत अच्छे से कैंपेन चलाया 2014 में। लेकिन हमें नहीं पता था कि ऐसा नहीं है, मोदी इज बेस्ट पीएम ऑफ इंडिया, बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन क्या है उनके कुछ रवैये से बहुत लोग नाराज हैं, बहुत लोग नाराज हैं। खराबी करते हैं उनका जो चेला गुरु लोग बांटा वह लोग वोट के बैठ जाता, मोदी क्या करे बेचारा। जनता क्या है, जनता क्या है, जनता 5 किलो राशन में बिक रही है और जिनको हम चुन के भेज रहे हैं वो 25 करोड़ में बिक रहे हैं। इस चीज़ को आप मानती हैं कि नहीं मानती हैं? बिक सब रहे हैं, बस कीमत अलग अलग है। कीमत अलग अलग है, बिकने को सब बिक रहे हैं, वही कह रहा हूँ ना। हम जनता क्या, हम जनता को वोट भेज दे रहे हैं 5 किलो राशन पे? नहीं वोट क्यों दे, क्यों हम लोग नहीं दे वाली जाइयो 5 किलो राशन, हम लोग नहीं खाइए 4 दिन उपास रह जाइए, नहीं देबू। हाँ कहाँ है चाची? नहीं लेने में चाहिए।